मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी व्लॉग्स। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो नाश्ता वगैरह सब होने के बाद आज मैं सोच रही हूँ अपना जो डाइनिंग एरिया है ना उसको अच्छे से क्लीन करूँ। काफ़ी टाइम हो गया है मैंने इसका सेटअप चेंज नहीं किया है या फिर इसके ऊपर जो शीशा है ना उसको हटा के ठीक से क्लीन नहीं किया है। सो आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स के भी मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि जब भी मैं डाइनिंग एरिया क्लीन करूँ या फिर ऑर्गेनाइज करूँ तो वो आपके साथ शेयर करूँ। सो जब मैं आज कर ही रही थी तो मैंने सोचा चलो आज आपके साथ ये चीज़ शेयर कर देती हूँ। सो मैं बहुत ज़्यादा मेजर मेकओवर जो होता है ना वो नहीं कर रही हूँ, बिकॉज़ छोटी छोटी चीज़ें अगर आप यू नो चेंज कर देते हो तो उसी से आप देखते हो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। सो मैं वही आपको दिखाती हूँ आज, बाय द एंड देखना आप, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी बट स्टिल दिस डाइनिंग एरिया विल लुक सो डिफरेंट। सो डाइनिंग टेबल को अगर बीच बीच में पूरा साफ ना करो ना तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी होती रहती हैं। मेरी बेटी के सारे टॉयज़ यहाँ पे आ जाते हैं, काफ़ी सारे पेपर्स आ जाते हैं। सो बहुत ज़रूरी है ना बीच बीच में इसको साफ़ करना। सो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, जो सारा सामान पहले का इसमें रखा हुआ है उसको सारा हटा रही हूँ, और हटाने से पहले ना इसको मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ बिकॉज ये सारा मैं स्टोर करने वाली हूँ। सो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं चेंज करूँगी यू नो उस टाइम के लिए। सो हाथों हाथ साफ़ कर दो ना तो बेटर है, काफ़ी जल्दी काम हो जाता है, बाद में वरना वो रह जाता है। सो मैं यहाँ पे लॉन का एक लिक्विड क्लीनर आता है तो वही उसी से मैं साफ़ कर रही हूँ सारा। पहले उसको स्प्रे करके फिर गीला कपड़ा मार के और फिर टिश्यू पेपर से। आप चाहो तो होममेड भी यू नो कोई सा भी सोल्यूशन बना सकते हो आप, जैसे काफ़ी यूज जो होता है वो है वाटर प्लस विनेगर, उसमें थोड़ा सा लेमन जूस, खाने का सोडा और नमक, ये डाल के भी आप यू नो काफ़ी अच्छे से चीज़ों को क्लीन कर सकते हो। सो जब सारा सामान मैंने हटा लिया है, साफ़ कर लिया है, अभी फाइनली डाइनिंग टेबल को भी मैं वही स्प्रे करके एक बार अच्छे से गीले कपड़े से उसको यू नो साफ़ करूँगी। उसके बाद फिर मैं यूज़ करूँगी न्यूज़पेपर, जिससे जो कांच की चीज़ें हैं ना काफ़ी अच्छे से चमक जाती हैं, जैसे आपके मिरर हो गए या फिर कोई कांच का बड़ा यू नो ऐसा फ्लैट चीज़ हो गया तो काफ़ी अच्छे से वो साफ़ हो जाते हैं। सो एक बार जो ग्लास टॉप है वो अच्छे से साफ़ हो गया है तो उसको अपने हस्बैंड की हेल्प से मैं उसको यहाँ से हटा रही हूँ। सो अब फाइनली मैं टेबल को साफ़ करने वाली हूँ। ये बहुत ज़्यादा गंदा होता नहीं है बट बीच बीच में साफ़ करना इज़ वेरी गुड, सो दैट जो वुड की क्वालिटी है ना वो मेंटेन रहे। तो वही इसके ऊपर हल्का सा स्प्रे मार रही हूँ मैं अगेन, देन आई एम गोइंग टू यूज़ जो गीला कपड़ा होता है वो, और उसके बाद फिर एक ड्राई सॉफ्ट कपड़े से इसको साफ़ करने वाली हूँ। सो इस टेबल में ना एजेस में काफ़ी जगह पे जो वैक्स है ना, काफ़ी जो हम इसको लोकल फर्नीचर से लेके आए थे डाइनिंग टेबल को, सो उन्होंने वैक्स वगैरह लगाया हुआ था इसको यू नो लास्ट फिनिशिंग देने के लिए, तो इतनी गर्मी हो रही है तो काफ़ी जगह वो भी मेल्ट हो रहा था। सो वो भी मैं देखती हूँ अभी कितना कैसा रहता है, अदरवाइज एक बार वो ठीक करवाना पड़ेगा। सो बीच बीच में ना इसीलिए थोड़ा जो ग्लास टॉप है उसको हटा के टेबल को साफ करो ना तो थोड़ा कंडीशन वगैरह पता रहता है टेबल का कैसा चल रहा है, यू नो कोई दीमक तो नहीं लगी है। सो बीच बीच में ना ग्लास टॉप हटा के थोड़ा सा आलस हटा के मैं भी वही आज कर रही हूँ, ग्लास टॉप हटा के पूरा टेबल साफ कर रही हूँ। सो टेबल एक बार साफ़ हो जाए उसके बाद जो चेयर्स है ना उसको मैं वैसे चेयर्स को रेगुलरली साफ़ करती हूँ पर आज मैं पूरा डाइनिंग टेबल कर रही हूँ तो साथ में चेयर्स को भी कर रही हूँ। सो पहले मैं जो मेरे पास वैक्यूम क्लीनर है उसी से जो ड्राई डस्ट है ना पूरे चेयर के ऊपर वो, और जो सीट है जहाँ पर पूरा खाना खाते हुए गिरता रहता है वो है, उसको अच्छे से यू नो वैक्यूम मार रही हूँ। सो ड्राई डस्ट एक बार निकल जाए तो उसके बाद गीले कपड़े से इसको पूरा साफ़ कर रही हूँ। जो हमारा जो चेयर का कुशन है ना वो ऐसा कुछ वाटरप्रूफ टाइप है तो इसलिए ईजिली आप वाइप करते हो तो काफी इजीली क्लीन हो जाता है। सो वही एक बार सीट वगैरह को भी मैं वेट जो आपका कपड़ा होता है उससे क्लीन कर रही हूं। सो एक बार डाइनिंग टेबल चेयर सब साफ हो गया है ना तो थोड़ा टाइम दे रही हूँ ताकि ये ड्राई हो जाए। सो इन द मीन वाइल जो डाइनिंग टेबल के नीचे का एरिया है ना ये मैं अच्छे से वैक्यूम कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पे भी कोनों कोनों में ना काफ़ी चीज़ें पड़ी रहती हैं। सो जैसे अभी मेरे बेटी का पेंसिल कलर्स काफ़ी कोनों कोनों में रह जाते हैं, सो वो मिलते नहीं हैं, तो अभी वही मिला एक। सो यस, अभी फाइनली मैं पूरा जो डाइनिंग एरिया का नीचे वाला एरिया है ना उसको अच्छे से वैक्यूम कर रही हूँ। सो एक बार जब सारा साफ़ सफाई हो गया है अभी लगाना क्या है तो मैं वही सारा सामान जो मेरे दिमाग में यू नो एक पिक्चराइज कर रखा है कि मैं इसको कैसा लुक देने वाली हूँ आज, सो वही सारा सामान ला के ना एक बार ऊपर टेबल के ऊपर रख रही हूँ। थोड़ा सोच रही हूँ कौन सा कैसा कलर ऐड करूँ, कौन से रनर्स ऐड करूँ, कौन से वाले फ्लावर्स यूज़ करूँ। सो यहाँ पे मैं एक जो मेरा यहाँ पे आप जो ट्रे देख रहे हो ना वुडन वाला, ये मैं दिल्ली गई थी वहाँ से लेके आई थी तो तब से ये यूज़ ही नहीं हुआ है। सो देख रहे हो आप कितना गंदा पड़ा है, तो ऐसे मैं बंजारा मार्केट से लेके आई थी, यही कंडीशन था उसका। सो ये साफ़ ही नहीं हुआ तब से अंदर रखा हुआ था, तो आज मैं इसी को यूज़ करने का सोच रही हूँ। सो कोई भी वुडन ट्रे या फिर इस तरह की चीज़ें हैं ना आप उसको बहुत ईजिली क्लीन और शाइन कर यू नो शाइनी बना सकते हो। सो सबसे पहले आपको उसको ना अच्छे से जो उसके ऊपर का डस्ट है उसको पहले एक ड्राई कपड़े से उसको क्लीन कर लो। एक बार डस्ट क्लीन हो जाता है गीले कपड़े से उसको आप अच्छे से क्लीन कर लो, थोड़ा सा ड्राई होने दो, अभी थोड़ा समर वेदर है तो ये इमीडिएटली ही ड्राई हो गया था,
और उसके ऊपर कोई एक ऑयल जो बहुत ज़्यादा स्मेल ना करता हो, मैं यहाँ पे नॉर्मल कुकिंग ऑयल जो है वही ले रही हूँ, हल्का सा ड्रिजल कर दो और एक टिश्यू की हेल्प से इसको पूरे उसमें आप स्प्रेड कर दो। सो आप देखोगे इजीली आपका जो वुडन यू नो इस तरह की चीज़ें हैं बहुत अच्छे से एक शाइन आ जाती है और काफ़ी लॉन्ग वो चीज़ यू नो चलती है। सो नेक्स्ट यहाँ पे कुछ ये पाइनएप्पल वाले होम स्वीट होम वाले कटआउट्स हैं मेरे पास, ये मैंने अमेजोन से ही मंगाए थे। सो जो भी लिंक्स होंगे ना प्रोडक्ट्स के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो जिस जो भी अवेलेबल होंगे। ओके ये पाइनएप्पल वाले कटआउट्स बहुत पहले मैंने मंगाए थे, ये भी मेरे यूज़ नहीं हुए थे। सो मैं सोच रही हूँ अभी है ना थोड़ा सा अपने जो ड्राॅइंग रूम है ना थोड़ा सा उसको मेकओवर दे देती हूँ, थोड़े थोड़े चेंजेस ले आती हूँ। बीच बीच में चेंजेस करो ना तो बड़ा अच्छा लगता है, घर अपने हमने खुद ही थोड़ा यू नो डिफरेंट अच्छा लगता है, बीच बीच में करना चाहिए। सो वही पाइनएप्पल के इसके पीछे ना एक जूट का डोरी आया था हैंग करने के लिए जो मैंने निकाल दिया था, बिकॉज मुझे वो हैंग नहीं करना था, स्टिक करना था। तो जो डबल साइडेड टेप होते हैं सो वही मैं इसमें लगा रही हूँ और उसको अब हम ट्राई कर रहे हैं दीवार पे लगा लगा के, मैं और मेरा हस्बैंड चेक कर रहे हैं कि इसको कैसे लगाएंगे तो यू नो थोड़ा बेटर होगा, अच्छा दिखेगा। सो वही अलग अलग यू नो पोजिशन में लगा लगा के उसको हम चेक कर रहे हैं। सो एक बार दीवार पे पाइनएप्पल वाला लगा दिया जो हमको काफ़ी सोचना पड़ा इसको हम कैसे लगाएं, बट हमने बिल्कुल सिंपल से वे में इसको लगा दिया है अभी फ़िलहाल। इसके बाद वही कांच वाला जो हमारा टेबल टॉप है वो वापस रख रहे हैं, तो जो मैंने बताया था ना आपको वैक्स मेल्ट हो गया था टेबल के ऊपर तो वो कांच पे लग रहा था, तो आई थिंक इसको एक बार हमको चेक करवाना पड़ेगा। सो लेट्स सी, थोड़ी सी गर्मी कम हो जाए देन विल गेट दिस सॉर्टेड। अब मैं यूज़ कर रही हूँ तो मैंने डिसाइड किया ना थोड़ा सा ब्राइट करने के लिए घर को, तो ये टेबल रनर, अगर आपने मेरे दिवाली वाला व्लॉग देखा है तो उस टाइम पे मैंने ये टेबल रनर जो है ना ऑर्डर किया था, शॉप किया था, यूज़ किया था, तो तब से ये ना ऐसे ही रखा हुआ है, यूज़ नहीं हुआ है। सो मैंने सोचा क्यों ना यू नो थोड़ा सा ब्राइटनेस ऐड करें। यू नो ज़रूरी नहीं है कि आप नए नए सामान लेके यू नो घर में चेंजेस लाओ, जो सामान है उन्हीं को ही मिक्स एंड मैच करके यू नो बीच बीच में यूज़ अगर आप करो। सो दिवाली की चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि दिवाली के टाइम पर यूज़ करो, आप वापस उनको यू नो बीच बीच में यूज़ करोगे तो आप देखोगे वो वाइब्स भी बड़ी अच्छी सी आपको फील होती है। सो मैंने जितने मेरे पास आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखे हुए थे ना तो मैं वही यू नो जो मेरा टीवी स्टैंड है उसके ऊपर मैंने येलो कलर का एक बुश रखा हुआ था। सो मैंने टीवी यूनिट वाला जो मेरा वास था जिसमें येलो फ्लावर्स थे उसमें लैवेंडर फ्लावर्स रख दिए, तो अभी इससे क्या हो गया ना वो वाला एरिया जो हमें यूज टू था देखने का हमेशा येलो येलो, सो उसमें थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, सो इट लुक्स रियली नाइस नाउ। सो फाइनली रेड टेबल रनर के साथ मैंने ये गोल्डन वाले मैट्स यूज़ किए हैं, मैं जनरली यही यूज़ करती हूँ इसके साथ बिकॉज बहुत ही अच्छा लगता है इसके साथ जो इसका कॉम्बिनेशन निकल के आता है। सो पूरे डाइनिंग एरिया को इसने ना बिल्कुल एक फेस्टिवल टाइप जो लुक होता है ना बिल्कुल फेस्टिव ब्राइट वैसा दे दिया है, येलो रेड गोल्डन, सो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। हाँ फाइनली मैंने सोचा जो मेरा फॉयर एरिया है ना उसके पास का जो सेक्शन है उसको भी थोड़ा सा चेंज कर दूं बिकॉज बहुत टाइम से ये ऐसा ही है। सो ज़्यादा कुछ नहीं किया, जो ऑर्गेनाइज़र मेरे डाइनिंग टेबल पे था पहले मैंने वही ऊपर जो है ना सारा एरिया क्लीन कर लिया, एक टेबल रनर लगा दिया, उससे थोड़े कलर्स ऐड हो गए वहाँ पे यू नो। उसके बाद जो मेरा राउंड ऑर्गेनाइज़र डाइनिंग टेबल पे था उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया है, वही जो वास वगैरह है उसको थोड़ा सा इधर का उधर उधर का उधर कर दिया है, और साइड में ये स्क्वायर ऑर्गेनाइज़र रखा है, ये मेरा काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी यूज़फुल है। इनफैक्ट इसमें मेरे बेसिक क्रीम्स डियो सैनिटाइज़र ये सब रहते हैं, यू नो जैसे किचन में हाथ वॉश हैंड वॉश करो तो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो, बाहर से आए तो सैनिटाइज़र, सो क्रीम डियो जैसे आप निकल रहे हो इमीजिएटली आप डियो या परफ्यूम लगा लो, सो ये मेरा काफ़ी यूज़फुल एरिया है तो इसको मैंने एज इट इज़ ही रखा है। थोड़े से और कलर्स और थोड़ा सा अपना टेस्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे ये लव वाला जो है इसको भी मैंने चेंज नहीं किया, इसको भी मैंने एज इट इज़ रख दिया है।
सो फ्रेंड्स, ये मैं थोड़ा सा आपको लुक दे देती हूँ रात का भी। मैंने स्टार लाइट्स निकाले नहीं है दिवाली के टाइम से, तो मैं उनको बीच बीच में ऑन कर देती हूँ जब मुझे थोड़ा सा हैप्पी हैप्पी सा फीलिंग चाहिए होता है, लाइट लाइट सा बहुत अच्छा लगता है। सो मैंने देखा आपने, मैंने बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, बस सामान थोड़ा इधर का उधर उधर का इधर किया है, कुछ नया नहीं खरीदा मैंने। सो इस तरीके से आप भी अपने घर में चेंजेस ला सकते हो। नया मत खरीदिए, जो दिवाली के सामान हैं, दिवाली की चीज़ें हैं, दिवाली की लाइट्स हैं, उनको थोड़े बहुत इधर उधर आप उतना भर के नहीं, बिकॉज दिवाली में तो हम बहुत सारी लाइटिंग करते हैं, तो उन लाइट्स को बीच बीच में अगर आप यूज़ करोगे ना चेंज कर करके, तो आप देखोगे तो वो आपके यूज़ भी हो रहे हैं, सिर्फ ओकेजन के लिए नहीं बचे रहते हैं, जनरल भी यूज़ होते हैं और आपको अच्छा सा भी फील करवाते हैं और आपके घर को थोड़ा सा चेंज भी आपके घर में लेके आते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ। और मेरे चैनल पे बहुत सारे डेकोरेशन से रिलेटेड, क्लीनिंग से रिलेटेड व्लॉग्स और आपके शॉपिंग हॉल से रिलेटेड चीज़ें वीडियोस हैं, सो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो। और अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आए तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए मिलती हूँ दोबारा एक और नए व्लॉग के साथ, वीडियो के साथ। तब तक यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाय बाय।